बड़ी खबर आपको देते हैं कि संसद में सुरक्षा चूक के मामले में सियासत तेज हो गई है। अमरावती से सांसद नवनीत राणा ने अब इस मसले पर महुआ मोइत्रा को टारगेट किया है। नवनीत राणा ने कहा कि संसद की सुरक्षा में हुई इस चूक के पीछे, इस घटना के पीछे महुआ मोइत्रा है। नवनीत राणा का इशारों में महुआ मोइत्रा पर निशाना, उन्होंने महुआ मोइत्रा पर हमला बोला है और उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि जिस सांसद को सस्पेंड किया गया है 2024 के कार्यकाल तक, हमारी कलीग जो बंगाल से सांसद थी, ये उनके ही लोग हैं जिन्होंने ये काम किया है संसद में, ये उन्हीं के लोगों ने काम किया, कड़ी सजा दी जानी चाहिए ताकि एक मिसाल कायम हो, एक मैसेज दिया जाना चाहिए। और सस्पेंड की गई सांसद के लोगों ने यह किया है। नवनीत राणा ने आरोप और ये कटाक्ष किया है, कहा कि जिनको सस्पेंड किया गया था उन पर भी देशद्रोह लगाना चाहिए और जांच की जानी चाहिए। संसद की सुरक्षा चूक को लेकर नवनीत राणा का यह हमला, कहा कि निलंबित सांसद पर देशद्रोह लगना चाहिए। मैंने जो महसूस किया, मुझे जो लगता है कि जिन व्यक्ति को सस्पेंड किया गया है पूरे कार्यकाल के लिए आगे के 24 तक, हमारी कलीग जो बंगाल से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मेरा सीधा आरोप है कि ये उनके ही रिलेटेड लोग हैं जिन्होंने इस तरीके का पार्लियामेंट, जो स्वाभिमान जिसपे हमारा देश पूरा गर्व महसूस करता है, वो पार्लियामेंट के अंदर उन्हीं के लोगों ने इस तरीके की दुर्घटना को अंजाम दिया है और उनपे देशद्रोह का केस फाइल होना चाहिए।